गाइस आज बात करने वाले हैं बॉन्साइज़ के बारे में। तो मैं आज आपको डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ बॉन्साइज़ दिखाने वाला हूँ, और मेरे साथ होने वाले हैं नितेश जी, जो कि द लाइव प्लांट के कंपनी के ओनर हैं, और इनके पास डिफरेंट तरह के बॉन्साइज़ के कलेक्शन से और भी बहुत कुछ है देखने के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बॉन्साइज़ के कलेक्शन ये दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं कौन से बॉन्साइज़ हैं और कैसे इन्होंने डेवलप किया, कितने पुराने हैं। कुछ ऐसे ऐसे पेड़ हैं जो लगभग 15 साल पुराने पेड़ हैं, तो वो भी दिखाएंगे अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम नितेश कुमार है और मेरी कंपनी का नाम द लाइव प्लांट्स है, और हम लोग दिल्ली बेस्ड हैं। आज हम लोग बॉन्साई के बारे में बात करने आए हैं कि बॉन्साई की कितनी स्पीशीज़ होती हैं और वो हमारे दिल्ली के क्लाइमेट में कितनी तरह से सूटेबल हैं, ठीक है, और कितनी हार्डी हैं, उनके बारे में बात करेंगे। कुछ हमारे पास स्पीशीज़ हैं, जैसे इसको, ये स्टाइल है, इसको बोलते हैं बॉन्साई पेंजिंग। पेंजिंग, हाँ जी। और ये फाइकस है? ये फाइकस माइक्रोकार्पा की वैरायटी है। हाँ। इसके अंदर जैसे आप देख रहे हैं, एरियल रूट सबसे ज़्यादा इसी फाइकस में बनता है। एरियल रूट इसको और ज़्यादा ओल्ड एज बनाता है। ये अराउंड 15 ईयर्स का प्लांट है, और ये इस तरह से फ्लैट ट्रे में लगाया हुआ है, और इसके साथ ये रॉक्स को लगाया गया ताकि और ज़्यादा नेचुरल लगे। ये रॉक है ना, ये पेंजिंग रॉक्स है, पेंजिंग रॉक्स है ना, मिट्टी है ना, ये सैंडस्टोन बोलते हैं इसको। अच्छा, सैंडस्टोन। हाँ। तो इस तरह से, और फिर उसके बाद इसको वायर किया हुआ है शेप देने के लिए। ये जो आप वायर देख रहे हैं, इस वायर को इसलिए किया है ताकि इसको शेप दिया जा सके, मतलब जिस तरह से पेड़ का स्ट्रक्चर है उसी के अकॉर्डिंग उसको शेप देने के लिए इसको किया गया है। इस क्या हाइट है इसकी? इसकी हाइट है अराउंड 24 इंचेस। हाँ। और ये जो स्टाइल है पेंजिंग का, ये पेंजिंग का स्टाइल है, लेकिन इस प्लांट के स्टाइल को बोलते हैं फॉर्मल अपराइट। फॉर्मल अपराइट का मतलब होता है एक ऐसा ट्री जो नीचे से बहुत ब्रॉड हो और ऊपर जाने के बाद शेप होते हुए एकदम पतला हो जाए। अच्छा। है ना, ये फॉर्मल अपराइट शेप है, ठीक है। उसके बाद हम इस बॉन्साई की बात करेंगे, ये भी फाइकस माइक्रोकार्पा की वैरायटी है। हाँ। ये नॉर्मल बॉन्साई पॉट में है, ठीक है। ये भी अराउंड 15 ईयर का प्लांट है। इसके अंदर वायरिंग करने के बाद अब आप जैसे देख रहे हैं, इसके अंदर उतनी शेप नहीं है, इसको शेप देने के लिए रखा है, लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे प्रॉपर शेप आ चुकी है। इसको दो बार कट भी कर चुके हैं, तो उसके बाद इसका वायर जो है ना वो खोल देते हैं, मतलब शेप हो गया। हाँ। वो इन्होंने अपना शेप ले लिया, उसके बाद इसको हटा देते हैं। अच्छा। क्योंकि गंदा ना दिखे। अब जैसे आप इसको देख रहे हैं तो ये पूरा नेचुरल नहीं लग रहा है, ऊपर का जो स्ट्रक्चर है पूरा नेचुरल नहीं है, लेकिन इसको आप देखेंगे तो ये पूरा नेचुरल लगेगा, मतलब एक पूरा जैसे लग रहा है एक ओल्ड एज, बहुत ज़्यादा ओल्ड एज का ट्री है ना। उसी ओल्ड एज के ट्री को, मतलब बॉन्साई का क्या मतलब है कि बड़े पेड़ को एक छोटा रूप दे देना, मिनिएचर वर्जन है ना, तो ये उसका मिनिएचर वर्जन है। पॉट लगाना ठीक रहता है बॉन्साई के लिए? देखिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बॉन्साई का पॉट जो है वो आपके बॉन्साई के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। कुछ बॉन्साई जैसे ये आप देखें, ये 2 इंच की फ्लैट ट्रे में है। हाँ। इसके साथ हमने रॉक का इस्तेमाल किया है। हाँ। लेकिन इस प्लांट को, प्लांटर को आप देखेंगे, इसके अंदर रॉक का इस्तेमाल नहीं हुआ है, नहीं। इसको डायरेक्टली सॉइल के अंदर लगाया गया है। तो ये डिपेंड ऑन आप क्या स्टाइल बना रहे हैं। कौन सा प्लांट ठीक होता है अगर बॉन्साई के लिए? फाइकस आपने यहाँ पर, बॉन्साई के लिए सबसे अच्छी और हार्डी स्पीशीज जो है वो फाइकस की वैरायटी है, है ना। फाइकस है, फाइकस में भी कई सारी वैरायटी आती हैं। जैसे ये एक ऐसा प्लांट है फाइकस माइक्रोकार्पा, आप इसको सर्दी में, गर्मी में या किसी भी मौसम में आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये उसकी सबसे ज़्यादा बेनिफिट चीज़ें हैं। ये इसको भी रॉक पेंजिंग बोलते हैं। आप देख रहे हैं पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर है एक पहाड़ का, उसके ऊपर किस तरह से प्लांट लगाए जाते हैं, स्टाइल को बोलते हैं वो फॉरेस्ट स्टाइल। ये फॉरेस्ट स्टाइल है, आप सामने से देखेंगे तो आपको इनकी एज दिखेगी। हाँ। ये किस तरह से कर्व हो रखे हैं, डेवलप हो रहे हैं। हाँ। ये कितना पुराना पेड़ है ये? 3 इयर्स का प्लांट है इसमें। ये 3 इयर्स का? हाँ, ये फॉरेस्ट में डेवलप किया हुआ है। अगर इसमें इतना ज़्यादा बड़ा अगर ट्री लगाते ज़्यादा एज वाला, तो ये पेड़ का जो स्ट्रक्चर है ना वो आपको फॉरेस्ट वाला नहीं दिख पाता। शायद हार्डली 1 या 2 प्लांट्स लग पाते, बट ये फॉरेस्ट नहीं बन पाता। उसके लिए कम एज के प्लांट लिए, और एक स्पेशल टाइप है, बहुत छोटी पत्ती का प्लांट है, इसको DVD भी बोलते हैं। हाँ, तो इस प्लांट को लिया गया है। इसकी ये खासियत है कि फॉरेस्ट के प्लांट जब फॉरेस्ट स्टाइल बनाते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। ये मैं आपको बताना भूल गया था, ये 3 ट्रीज़ के लिए, एक ये DVD भी फॉरेस्ट के लिए, और एक इस फाइकस माइक्रोकार्पा के लिए, और एक और इधर पेंजिंग की ट्रे है। इन तीनों के लिए मुझे पूसा में फर्स्ट प्राइज़ मिला था, पूसा फ्लावर शो में।
ये फर्स्ट प्राइज मुझे मिला था, ये पूसा मिला था जी। क्या ये स्टाइल है, इसको बोलते हैं वर्टिकल पेंजिंग। ये स्टाइल है, ये बॉन्जाई की एक स्टाइल है। इसके अंदर ये फ्लैट ट्रे ली हुई है, मार्बल की ट्रे है, मार्बल की ट्रे। हाँ, उसको स्टैंड पर लगा करके इस तरह से रॉक्स को ना चिपकाया गया, फिक्स किया गया, और ये बॉन्जाई ट्री को कैस्केड फॉर्म में लगा। आप अगर ढंग से देखेंगे तो शायद आपको भारत का नक्शा भी दिखेगा। ये देखिए, और यहाँ पर श्रीलंका भी है जी, पूरा ये मैप बनाया हुआ है। ये पूरा ये गुजरात है, ये जम्मू कश्मीर है, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें बनाने की कोशिश की गई हैं। काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ प्लांट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर्वाइव करने में? सर्वाइव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन रॉक्स के पीछे बहुत सारा सॉइल है। अच्छा, ठीक है। और इसको स्पैग्नम मॉस के साथ टाई किया होगा। स्पैग्नम मॉस क्या करती है, मॉइस्चर को बहुत ज़्यादा रोक के रखती है, और उनको जब जरूरत होती है तो रूट को पानी देती है। तो मेंटेन करने के लिए पानी, मेंटेन करने के लिए स्प्रे है ना? हाँ, आप स्प्रे करें। जब अभी ज़्यादा गर्मी है तो दिन में दो बार, और जब मौसम थोड़ा ठीक हो जाए तो दिन में एक बार अच्छा स्प्रे करें। लगभग क्या कॉस्टिंग आती है इस तरह के प्लांट्स से, कोई बाय करना चाहे तो? कोई अगर बाय करना चाहे तो ये तीन ट्रेज हैं मेरे पास, ये तीनों ही 10,000 ईच की हैं। 10,000 ईच की? हाँ, डिपेंड करता है क्योंकि साइज पे भी, प्लांट के एज पे जी। और ये, ये भी 10,000 ईच की है, ये भी बहुत सुंदर वर्टिकल पेंजिंग है। इसके अंदर फाइकस माइक्रोकार्पा, इसके अंदर सेरिसा प्लांट लगाया हुआ है। हाँ, इसके अंदर एक डिफरेंट तरह का रॉक है, इसके अंदर इसको ड्रैगन रॉक बोलते हैं। ड्रैगन रॉक? हाँ, ये ड्रैगन रॉक है, ये एक अलग स्टाइल है। तो रॉक वगैरह भी सेल करते हैं? जी जी, रॉक भी सेल करते हैं। अगर किसी को चाहिए तो अलग से रॉक भी मिल पहुंचा सकते हैं जी। उसके साथ एक और ये ट्रे भी है, ये तीनों ही स्टाइल बड़े अच्छे हैं। इसमें रॉक्स को ज़्यादा बड़ा दिखाया गया, बाकी दोनों पेंजिंग देखेंगे तो आपको रॉक्स छोटे दिखेंगे और ट्री भी छोटे दिखेंगे। इसमें रॉक्स को भी बड़ा शो किया है और ट्री भी बड़ा लगाया गया है। सही बात, स्ट्रक्चर बड़ा प्यारा है। ये इस प्लांट की जो मेन स्टेम है इसका, वो कौन सा है? ये है इसकी मेन स्टेम। इस प्लांट को ग्रो इस तरह से किया गया है, ये एक्सपोज ही है सारी की सारी रूट ना। इसकी मेन जो रूट है वो यहाँ डेवलप की गई है। इसके पीछे सॉइल है, स्पैग्नम मॉस है, अगेन वही चीज़ है। उसके बाद इसको फिक्स कर दिया गया है, एक टेक्निक लगा करके इसको बना दिया गया। ये एलम प्लांट है, इसको उल्मस भी कहते हैं। उल्मस जी, ये मतलब गर्मियों का प्लांट है, ठंड का प्लांट है क्या? नहीं, ये परमानेंट प्लांट है, परमानेंट बॉन्जाई है ये। सर्दी गर्मी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्दियों में आप कोई भी बॉन्जाई हो उसको पानी कम देंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है ये सॉइल कम होता है। आप सिर्फ उतना ही मॉइस्चर दें जितना इसको ज़रूरत है। ये 5 से 6 साल की एज के प्लांट हैं। इस लाइन में जितने आप देखेंगे सब एक ही फॉर्मल अपराइट स्टाइल के प्लांट है। एस शेप भी बोलते हैं इनको। अच्छा, उसी स्टाइल के प्लांट हैं सभी। ये बड़ा प्यारा लग रहा है। ये बिल्कुल, इसको देखिए, इसको देखिए, पूरी की पूरी रूट एक्सपोज है। कोई दिक्कत नहीं होता, ये इस तरह टेक्निक से बनाया जाता है। अच्छा, फिर इसको एक्सपोज कर दिया जाता है, फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इसकी मेन जो एरियल रूट है वो जमीन में होती है। वो जमीन में होती है। लगभग क्या कॉस्टिंग आती है इस तरह के प्लांट्स की? ये 1500 कॉस्ट करता है ये एलम प्लांट, 5 to 6 ईयर का। सेरामिक पॉट में है, इम्पोर्टेड सेरामिक पॉट में है, ठीक है। बट शिपिंग इसका जो है वो एक्स्ट्रा होता है, शिपिंग एक्स्ट्रा होता है। अब मैं एक 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 एलम प्लांट आपको उठा करके दिखाता हूँ। देखिए आप इसकी शेप, ये प्रॉपर देख रहे हैं आप, एस शेप में है। यहाँ से मैंने अगेन आपको बताया ट्रंक बड़ा है, बड़ा होने के बाद ऊपर छोटा होता चला जा रहा है, फॉर्मल अपराइट एस शेप है। और आप देखें इसको थोड़ा सा वायर किया हुआ है। अब मैं ये थोड़े दिन बाद इसकी वायर हटा दूंगा क्योंकि पूरा शेप हो जाएगा। उसके बाद इसकी मेंटेनेंस पार्ट क्या है, आप इसमें वाटरिंग देंगे, इसको हर 15 दिन में आप NPK स्प्रे करें, ठीक है। एक चम्मच 1 लीटर पानी में डाल करके डिसॉल्व करके इस पर स्प्रे करना है आपको, ठीक है। सनलाइट में रखना है आपको, तो सनलाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको इसको इंडोर रखना है तो हफ्ते में एक बार आपको इसको बाहर सनलाइट देनी पड़ेगी, ठीक है। और कटिंग का क्या है, जैसे आप, मैंने तो इस ट्री को पूरा कंप्लीट कर दिया, उसके बाद आपको क्या है यहाँ से इसकी ट्रिमिंग करते हैं ताकि पूरी तरह से शेप रहे प्लांट, ठीक है। अब मैं बॉन्जाई के एक माइक्रो टाइप के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसको बोलते हैं मेमे बॉन्जाई। मेमे बॉन्जाई जी, मेमे बॉन्जाई। इनकी एज 5 to 6 ईयर है, लेकिन आप देख रहे हैं कितने छोटे पॉट में, शायद आप मेरे हाथ से अंदाज़ा लगा पाएंगे जी, है ना। कितना छोटा पॉट है, पूरा का पूरा ट्री की शेप में है। इनको मेमे कैटेगरी में रखा जाता है, मतलब एज ज़्यादा है लेकिन इनको बहुत ज़्यादा माइक्रो कर दिया गया है, ये स्टाइल। उसके बाद एक स्टाइल ये है, इसको ये मैंने ड्रिफ्टवुड के ऊपर लगाया हुआ है इस बॉन्जाई को। ये भी जैसे आप देखें ड्रिफ्टवुड के ऊपर लगाया हुआ है, इसको शेप इस तरह से किया हुआ है, ये ड्रिफ्टवुड के साथ है।
और ये जो पीछे ये एक और मेमे की कैटेगरी है, ये 10 ईयर का प्लांट है। देखिए हाँ, अब आप इसका साइज़ देखें अराउंड, ये अगर ट्रंक से इसको देखा जाए तो 6 to 7 inches का होगा। हाँ। लेकिन आप इसकी एज देखें 10 ईयर्स के आसपास है, लेकिन कितना छोटा ट्री है, प्रॉपर आप देखें तो इस प्रॉपर एकदम शेप में ट्री है। अलगी वगैरह भी इस पे आ गए हैं। जी जी, ये मॉस वगैरह इसमें डेवलप हो गया है, आप देखें पूरी तरह से बहुत ही प्यारा। इन बॉन्साई को वायर किया हुआ है इस तरह से, अगर मैं इसको ऐसे भी उठा लूँगा ना तो गिरेगा नहीं। ये क्या 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 नाम है इस प्लांट का? इसको बोलते हैं कार्मोना। अब इसके ऊपर देखें वाइट कलर का बहुत सुंदर फ्लावर आता है, पूरा भर जाता है। अच्छा, बहुत सुंदर फ्लावर आता है इसके ऊपर। लगभग क्या प्राइसिंग होती है इसके? ये लगभग 2000 रुपये का है। 2000 जी। कौन सा है ये? फाइकस। ये फाइकस माइक्रोकार्प है, ये एक अलग तरह का स्टाइल है। आप देखिए कितनी एक्सपोज रूट है, अपनी व्यूअर्स को ये दिखाना चाह रहा था कि एक्सपोज रूट किस तरह से होती हैं। इसमें रॉक्स नहीं लगी हैं, आप एक्सपोज रूट देख सकते हैं क्या स्ट्रक्चर है उनका। इसमें देखें आप, ये एक कैटेगरी निकाली, इसकी एरियल रूट बहुत ज़्यादा है। अपनी व्यूअर्स को टाइप के बारे में बता रहे हैं किस टाइप के बॉन्साई हैं या किस तरह के स्टाइल होते हैं। तो ये बॉन्साई से कलेक्शन आपने देखा, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इनको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो फ़ोन नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनको कॉल कर सकते हैं। और गाइज, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ये बॉन्साइज आप बाय भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।